जय श्री गणेश जी महाराज, हर हर महादेव। इस वीडियो में जानकारी लेंगे अधिक माह कृष्ण पक्ष में किए जाने वाले चतुर्थी व्रत की। आप व्रत किस दिन करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा की विधि, संपूर्ण नियम उपाय इत्यादि की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि इसे विभुवन चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिक मास में खास तौर पर होता है और यह 3 साल में एक बार किया जाता है। अपने आप में यह दुर्लभ है, जो कि विशेष रूप से गणेश जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए और जीवन में सब खुशियां प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शास्त्र प्रमाण कहता है कि अपने आप में यह व्रत विशेष है, जैसा कि हरेक महीने चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में आती है और हर बार कोशिश करते हैं व्यक्ति की गणेश जी महाराज को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर उनके कृपा घर परिवार पर प्राप्त कर पाए। तो ऐसे में विशेष तिथि में यह इस साल व्रत हो रहा है। आप सभी को भी अच्छा स्वास्थ्य, संतान सुख और जीवन में धन संपदा प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। 2023 में कब हो रही है विभुवन संकष्टी चतुर्थी, 4 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन यह चतुर्थी मनाई जाएगी। यह दिन गणपति जी को समर्पित है और इस व्रत को चंद्रोदय, सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है। इसमें चंद्रमा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही अपने व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। पंचांग के अनुसार श्रावण अधिक माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है वह 4 अगस्त 2023 को दोपहर 12:45 से शुरू हो जाएगी। इसका समापन होगा 5 अगस्त 2023 को सुबह 9:29 के आसपास। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा का पूजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रखता है, जो कि 4 अगस्त के दिन ही किया जाएगा। साथ ही गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 7:25 से सुबह के समय में 9:05 के आसपास। शाम के समय अगर आप पूजा कथा इत्यादि सुनते हैं तो 5:29 से रात्रि 7:10 के आसपास पूजा का शुभ मुहूर्त जाना जाए। साथ ही विभुवन चतुर्थी का जो 4 अगस्त के दिन व्रत किया जाएगा, इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 9:20 के आसपास। हो सकता है थोड़ा क्षेत्र के अनुसार परिवर्तन हो। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सभी कार्य से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्रों का या लाल रंग के वस्त्रों का चयन करके गणपति जी महाराज को सुंदर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर से अभिषेक कराएं और एक अखंड दीप जलाएं। व्रत का संकल्प ले, गणेश जी महाराज की व्रत कथा का श्रवण करें। उसके पश्चात जो है आप सभी आवश्यक रूप से गणेश जी महाराज को दूर्वास और सुपारी समर्पित करें। साथ ही गणेश जी महाराज को पीले रंग के मोदक या लड्डू बहुत अधिक प्रिय हैं, उनको यह सारी चीज़ें समर्पित करें। ऐसी मान्यता है गणेश जी महाराज इन चीज़ों से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। विधि विधान से जितना आपसे संभव हो पूजन इत्यादि करने का प्रयत्न करें, दीपदान करें। विधि विधान से पूजन करते हुए महादेव का भी पूजन जरूर से करें। शिव पूजा करने का इस दिन विशेष विधान है। चंद्रमा को आवश्यक रूप से दूध मिश्रित और काले तिल मिश्रित जल से अर्घ आप सभी को देना चाहिए। इससे चंद्रमा मन के कारक के रूप में जाने जाते हैं। विशेष सेवा अर्चना करने से सुख शांति मिलती है। साथ ही इस दिन शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का भी विशेष पूजन अर्चन करें। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।